हेलो भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। तो भाई, आज जब हमारे पास जो गाड़ी है वो है सिलेरियो, मिड वेरिएंट है। तो आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। तो भाई, पहले आप इसके सिनेमैटिक्स देखो, उसके बाद फिर हम ऑनर को बुलाएंगे, उसके साथ करेंगे रिव्यू। वो भी हमारा दोस्त ही है और गाड़ी चला रखी है, गाड़ी बहुत कम चली हुई है। तो पहले आप सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो, उसके बाद फिर हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। तो भाई, फिलहाल देखो, अभी तो जिसकी गाड़ी है वो हमारा भाई आ चुका है। आ जा, ये रहा, ये इसकी गाड़ी है। हाँ भाई, करेंगे ना रिव्यू इसको। चलो भाई, तो पहले अभी हम आपको गाड़ी दिखाएंगे कि कितनी चली हुई है, उसके बाद तो भाई आप उस साइड से आओ, मैं साइड से गाड़ी दिखा। तो भाई, फिलहाल देखो, हम लोग तो गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो अभी हम पहले इसकी बात करेंगे मीटर में कितनी गाड़ी चली हुई है। ये नवंबर 2020 का मॉडल है। तो भाई ने थोड़े बहुत चेंजेस करा के, जैसे अपना ये हो गया, सिस्टम हो गया, अपने स्पीकर हो गए, ये बहुत काफी अच्छे करा के भाई ने, पैसा इसमें लगा रखा है अंदर से ही। बाहर से इतनी मॉडिफाई नहीं है, बट ठीक है, अच्छे हैं। तो पहले हम इसको आपको मीटर दिखाएंगे, उसके बाद फिर भाई बताएगा कि इस भाई ने कितने का क्या क्या लगवा रखा है, क्या क्या चीज है। तो चलो, भाई फिलहाल देखो, आपने ऑडियो क्वालिटी सुनी इसकी, हमको तो भाई अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगेगी। बट अब थोड़ा भाई माइक का इशू है कि प्रॉपर आवाज़ आती है नहीं आती है। बाकी भाई, अब देखो, अब हम आपको लेके चलते हैं इंजन की तरफ, फिर इंजन के बारे में बताते कि इंजन में भाई इससे क्या पावर है, क्या सब है। तो आओ इधर। भाई देखो, अभी हम बात करेंगे इसके इंजन साइज़ के बारे में। 3 सिलेंडर आता है 998 cc में पेट्रोल का, और जो CNG फिटेड में आता है वो 999 cc का आता है। तो भाई, अब इंजन के बारे में देखो। अब भाई इंजन के बारे में जब बात करते हैं, हम 67 BHP प्रोड्यूस करते हैं 6000 RPM पे, और 90 NM का टॉर्क करते हैं 3500 RPM पे। और भाई देखो, अगर इसकी पेट्रोल माइलेज के बारे में बात करें पेट्रोल में, तो भाई 23 से लेकर 25 तक के बीच में करता है ये। और बाकी जो CNG के अंदर है, भाई CNG के अंदर आपकी कम से कम भी 30 से ऊपर आपको देता है, क्योंकि तभी ये गाड़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अगर मतलब माइलेज के बारे में ही लोग इसको लेते हैं। तो भाई, बाकी जो इसकी ट्रांसमिशन तो आपको पता ही है, मैनुअल आती है। और जो सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो भाई सेफ्टी में 3 स्टार की रेटिंग आती है, जो कम भी नहीं है एक मारुति सुजुकी के हिसाब से, 5 out of 5। बाकी भाई, आप इसकी पहले थोड़ा बहुत इंजन वगैरह देख लो, जैसे हर एक चीज़ भाई क्लीन इंजन है, बट गाड़ी भाई कम चलती है, खड़ी रहती है, तो वो तो कोई बात है नहीं भाई। भाई अगर डायमेंशन की बात करें, तो क्या नाम है, जो लेंथ की बात करते हैं हम, 12.12 फीट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और जो विड्थ है, चौड़ाई है इसकी, है भाई 5.43 फीट। और जो हाइट है भाई आपकी 5.1 फीट आती है। और जो व्हील बेस है भाई आपका 7 point something कुछ का आता है। तो भाई आप इसके ऊपर टायर देख लो साइड से, जो आपकी विड्थ मतलब चौड़ाई आपकी गाड़ी की कैसे लुक आती है ओलाई में। तो भाई देखो, अब हमारे पास टायर दिखाने के लिए था, तो अब टायर देख लो पहले इधर आके। 15 इंच अलॉय आते हैं यार अपने, ठीक है। आप पीछे से भी देख लो पूरा ढंग से, ये 15 इंची का टायर है आपका। तो ये ठीक है यार, इस हिसाब से गाड़ी में ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। मॉडिफाई कुछ नहीं है इसमें, आपको पता ही है व्हील कवर कंपनी फिटेड ही आता है, वो तो कोई बताने की चीज़ नहीं, आपने देख लिया होगा फिलहाल। तो भाई देखो, फिलहाल अभी आपने इंजन के बारे में देखा कि जो जो मैंने बताया आपको, आई होप आपको सही लगा होगा कि सही जानकारी दी है। तो भाई, आप इंजन को करते हैं बंद अपना। अब मैं आपको थोड़ा अंदर से बताता हूँ कि अगर अंदर में 4 जने बैठते हैं तो कंफर्टेबल होगा, 5 जने बैठेंगे तो कंफर्टेबल होगा। तो आप आओ पहले इंजन को तो बंद कर दो। भाई देखो, अपनी नॉर्मल सी बात है, 5 सीटर गाड़ी आती है, ये तो आपको पता ही है। बट भाई देखो, अगर मेरे जैसे लोग बैठेंगे तो यार देखो, 4 ही बैठ पाएंगे,
और पतले पतले अपने भाई लोग बैठेंगे तो 5 भी कंफर्टेबल हो सकते हैं। या अपनी सिटी ड्राइव के लिए तो देखो यार कंफर्टेबल गाड़ी है 5 के लिए भी, बट थोड़ा अगर लॉन्ग टूर पे जाओगे ना तो आपको चाहिए होगा कि यार थोड़ी सी गाड़ी बड़ी लगे, बट 4 जनों के लिए तो यार गाड़ी यार एकदम कंफर्टेबल है। ये सीट भी, जो सीट का मटेरियल है भाई वो भी आपका अच्छा है, मतलब आपको पेन नहीं होगा अगर आप लंबे उस पर जाते हो, ठीक है। दूसरी बात, अब हम आपको उसको दिखाएंगे फ्यूल टैंक। तो भाई देखो हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, पेट्रोल टैंक के बारे में। तो आप इधर आओ भाई, देखो ये अपना सीएनजी का भी यहीं पर आता है, पेट्रोल का भी यहीं पर आता है। भाई पेट्रोल की अगर हम बात करें तो भाई पेट्रोल में देखो 32 लीटर तक का फ्यूल, 32 लीटर पेट्रोल फ्यूल डलता है, समथिंग 3,3200 में आपका टैंक फुल हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि 25 की एवरेज देती है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कितनी चलती है। भाई वो जो सीएनजी की बात करें तो भाई सीएनजी में आता है आपका 60 लीटर का, बट 8-10 किलो गैस जलती है, आप मानो तो 400 रुपये में आपकी फुल हो जाती है और पूरी दिल्ली हांड सकते हैं यार, सीएनजी लेते ही लोग इसलिए। और बाकी देखो भाई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सीएनजी इंस्टॉल्ड बाय मारुति सुजुकी इंडिया एलटीडी, सीएनजी टैंक आईडी नंबर, ये भाई क्योंकि कंपनी फिटेड सीएनजी है इसलिए। भाई ये तो बारे में बात हो गई, चलो पहले आपको पता है जो पहले की गाड़ी हम बाहर से सीएनजी लगवाते थे उसमें आगे ऑप्शन आता था बोनेट हटाते थे, तो वो काफ़ी सारी झंझट रहती थी, लीक होने का भी डर रहता था। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है इसके कि आपको एक ही जगह दोनों चीज़ मिल रही है, ना कोई टेंशन है ना कुछ है। तो भाई देखो अभी हम दिखा दिया था आपको, बाकी हमने अगर बात करी सीएनजी की तो हम आपको ना सीएनजी का वो दिखाते हैं, पहले बूट स्पेस दिखाते हैं। भाई देखो अब जो कंपनी अपना बताती है इसका 235 लीटर का बूट स्पेस बताती है बिना सीएनजी के, ठीक है यार। अब एक बार बताओ, अब सीएनजी में बिना सीएनजी की गाड़ी एवरेज कम देगी तो लोग प्रेफर करेंगे कि सीएनजी तो लगवाना ज़रूरी है। तो भाई सीएनजी के बाद देखो आप देख सकते हो कि कितना स्पेस बचा है, जो भाई ने टायर वायर थोड़ा वो सामान रखा हुआ है, बस यही है इसका स्पेस। इसमें एक ये माइनस पॉइंट लगा कि भाई स्पेस की फिर कमी हो गई, जब स्पेस की कमी होगी तो जैसे थोड़ा लॉन्ग टूर पे जाने में थोड़ी झिझक सी होती है कि यार जब स्पेस सामान नहीं आएगा तो रखेंगे कहाँ पर। बाकी भाई ने देखो टायर बिल्कुल नया एकदम फर्स्ट क्लास, अभी तक टायर निकला भी नहीं है। सोचो फिर आप एक ये चीज़ सोच सकते हो कि गाड़ी कितनी कम चली हुई है, 20,000 कुछ नहीं होता गाड़ी का, कुछ भी नहीं होता, मतलब क्या 2020 की गाड़ी है, 2 साल हो चुके, 2022 चल रहा है अपना ये। तो बाकी भाई आपने इसका देखा बूट स्पेस, तो भाई देखो आपने इसके बारे में अभी नॉलेज तो देखो ले लिए, जितनी इंजन के बारे में, इसके पेट्रोल टैंक के बारे में आपने हर चीज़ देखी। तो भाई हम इसके ऑनर को बुलाएंगे, बाकी इनसे आप 2-3 मेन चीज़ें जानेंगे कि भाई यही क्यों फिलहाल, ठीक है। तो भाई इधर आओ मेरे भाई, तो पहले आप ये बताओ कि आपने ये पहले कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? मेरे को ऑन रोड पड़ी है 640 की। तो भाई सर्विस कॉस्ट? सर्विस कॉस्ट इसकी अभी तक 3 तो फ्री हुई है, 20,000 रुपये इसकी अभी हुई है। अच्छा, उसकी मुझे 4,000 से 4,200 रुपये पड़ी थी, सर्विस सेंटर पे। चल ठीक है, नॉर्मल मिडिल क्लास है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है। भाई अगर आप सर्विस सेंटर जाते हो उसको लेकर आपको कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, सर्विस बहुत अच्छी है, अच्छी उनकी। हाँ ठीक है भाई। भाई अब एक लास्ट चीज़ मुझे ये बताओ, आपको कितनी की पड़ी थी आपने बताया अभी? 640 की। तो भाई आपके पास इसके अंदर ऑप्शन और भी होंगे, स्विफ्ट लाइक दैट सेंट्रो हो गई, तो भाई सिलेरियो ही क्यों? भाई जब हमने ये ली थी तब स्विफ्ट में सीएनजी नहीं आती थी। अच्छा, हाँ तो हमें सीएनजी में चाहिए क्योंकि दिल्ली में रह के अगर आप सीएनजी नहीं ले रहे तो बेवकूफ़ वाली बात है। पॉइंट है भाई ने एकदम सही बात कही है। वैसे सीएनजी तो मस्ट हो चुकी है आज के टाइम में दिल्ली के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है। भाई एक बात और, आप अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हो आपके लिए गाड़ी कंफर्टेबल है? हाँ, हमारे फैमिली में 3 ही लोग हैं हम, तो हमारे को अच्छा बहुत कंफर्टेबल है, आराम से जाते हैं, आराम से अपना सस्ते में चल जाते, सस्ते में आ जाते हैं। सस्ते में भाई दिल्ली वालों की सोच है, सस्ते में जहाँ काम निकल रहा है बंदा क्यों नहीं निकालेगा, बात ठीक है ना। तो बाकी भाई देखो, भाई ने हमको बताई ओवरऑल जानकारी इसके बारे में, कोई इतनी अच्छी है गाड़ी, नो डाउट कोई बुरी बात तो है नहीं। तो भाई वीडियो को क्या करना है फिर, लाइक कमेंट शेयर करना है? नहीं करना, करना है ना। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करना, भाई आपके लिए मेहनत करते हैं। सो बाय, लव यू गाइस, चलो।